हेलो एवरीवन, दिस इज राम केवल एंड यू आर वाचिंग किड्स ट्यूटोरियल यूपी का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराता है। हमारे चैनल पर आपको ईच एंड एवरी एक्सरसाइज कंप्लीटली सीक्वेंस में मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फिफ्थ चैप्टर, ठीक है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, वोकैबुलरी सेक्शन का सीरीज चल रहा है, सॉल्यूशन का सॉरी। तो इसमें हम चार वीडियो तक अपलोड कर चुके हैं, ये पांचवा वीडियो है। देखते हैं, पहला जो सेक्शन दिया हुआ है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का है। पांचवा चैप्टर आप जानते हैं कि नाम क्या है। आई एम जॉन सर। तो याद रखिएगा, उसी का ही ये वोकैबुलरी सॉल्यूशन है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में पहला है, यानी कि ए का पहला दिया सेंटेंस। यू आर एडवाइज्ड बैड हैबिट, आपको सलाह दी जाती है कि बुरी आदतों से क्या करिए, छुटकारा पाइए। टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। तो यू आर एडवाइज्ड टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट, बुरी आदतों से छुटकारा पा लीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। आपको सलाह दी जाती है, आपको भी YouTube पर अच्छे वीडियो देखा करिए, पढ़िए, फालतू के गाने और उल्टे सीधे वीडियो देख करके टाइम पास करना छोड़ दीजिए, बुरी आदतों को त्याग दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ ट्रक अ क्राउडेड नैरो लेन। अब देखिए, क्राउडेड नैरो लेन, एक भीड़, क्राउडेड भीड़ से भरी हुई नैरो मतलब पतली सी गली है, तो ट्रक के लिए क्या डिफिकल्ट होगा, उससे बाहर जाना, यही होगा ना। तो टू पुश थ्रो, पुश थ्रो मतलब कि उससे में से घुस करके जाना, ठीक। ये क्या होगा, कठिन होगा ट्रक के लिए, क्योंकि उस एक तो भीड़ है, ऊपर से वो सड़क पतली है, तो वहां से जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। टू पुश थ्रो मतलब वह घुसना, एक तरह से होता है ना, धक्का देकर के घुसना, जैसे ट्रेन में होता है ना, तो वही। चलिए तीसरा देखते हैं, पहले ही ब्लैंक दे दिया है। ट्राइंग अगेन एंड अगेन इज टू गेट सक्सेस एट लास्ट। तो देखिए, बार बार कोशिश करना सफलता पाने के लिए क्या होगा, कीप ऑन, पर मतलब जारी रखो, कीप ऑन ट्राइंग अगेन अगेन, कोशिश करना, बार बार कोशिश करना, एकदम जारी रखो, तभी सफलता मिलेगी। अगर अंत सफलता चाहते हो तो बार बार लगातार एकदम बार बार ट्राई करते रहो, छोड़ो मत, कोशिश करना छोड़ो मत, लगातार कोशिश करते रहो। अगला है, द फैट पीपुल आर एडवाइज टू टेक लाइट एक्सरसाइज। जो मोटे लोग हैं उनको सलाह है कि वो लोग हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, किस लिए, टू स्लिम डाउन पतला होने के लिए, क्योंकि मोटापा भी ओवरवेट भी एक तरह से बीमारी है और हृदय का बोझ बढ़ाती है, उसकी काम को बढ़ा देती है, दिक्कत करता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। पांचवा, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज। अब देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या है, इस समय का वर्तमान एजुकेशन सिस्टम आउट ऑफ टाइम, समय के परे है, समय के हिसाब से नहीं चल रहे हैं हम लोग, बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक। आउट ऑफ टाइम विद द नीड ऑफ द टाइम, जो समय की नीड है, आवश्यकता है, वहाँ पर हम समय से परे चल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा अपडेटेड नहीं है, कहने का मतलब। अब देखिए, छठवां जो है ये थोड़ा सा स्पेशल, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जॉन हार्डली। इसमें टोटल 9 सेंटेंस दिए हुए हैं और आप इसको काउंट करेंगे, जो वर्ड दिया हुआ है भरने के लिए वो 8 ही है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 9वां कहाँ से आएगा, हो जाता है। चलो, मैं ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं किस लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर एवर भरा जाएगा, EVER मिलेगा ना किताब में, ध्यान से देख लो मीनिंग और स्पेलिंग सब कुछ, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। तो जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज गुड, बहुत ही मुश्किल से सोचता है वो, कभी कभी ही सोचता है मेरे बारे में,
जो कि मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे बारे में ना ही सोचे जान तो अच्छा है। कौन कह रहा है, हृदय कहता है, जितना ही सोचेगा मेरे बारे में उतना ही दिक्कत बढ़ाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, सातवां है, व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब कभी वो मेरे बारे में सोचता है तो ही थिंक्स ऑफ मी, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मुझे सोचता है एज अ डेलिकेट मतलब कोमल, और फ्रेगाइल मतलब भी होता है कोमल या नाजुक या कमजोर, फ्रेगाइल या फारे जी आई एल ही। तो जब कभी वो मेरे बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, कोमल हूँ, मुलायम हूँ, समझता नहीं कि सबसे ज्यादा टफ काम मैं ही करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, आठवां है, स्मोकिंग इज अ प्रेटी वायलेंट स्टफ, प्रेटी मतलब थोड़ा ज्यादा वायलेंट है, हानिकारक है आपके लिए, स्मोकिंग छोड़ो। नौवां, देन तब, इफ वन आर्टरी क्लोज डाउन देयर आर अदर टू न्यूरिश मी, अगर एक बंद हो जाता दूसरा होता है मुझे, देयर यहां पर आ जाएगा पोषण देने के लिए, दूसरा हो जाता है एक बंद हो जाता है तो ये रहा आपका ये सेक्शन। चलिए बी की बात करें तो एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम में मैं बता दूं आपको, पहला है अपग्रेड, अपग्रेड मतलब क्या होता है, आगे की तरफ ले जाना, ऊपर ले जाना, अप से ही आप समझ जाएंगे, और एंटोनिम बताना यानी कि उल्टा बताना, विलोम, तो एंटोनिम क्या होगा, डिग्रेड मतलब नीचे जाना, डिक्रीज, रिड्यूस, ये सब हो जाएंगे। दूसरा सेंटेंस है यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्य, तो अनयूजुअल हो जाएगा इसका ठीक अपोजिट, स्ट्रेंज भी हो सकता है, एक्सेप्शनल भी हो सकता है। आगे बात करें एक्टिव की, तो एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय, डीएक्टिव हो जाएगा पहला तो, ठीक, उसके बाद लिस्टलेस हो जाएगा, इनएक्टिव भी हो जाएगा। चलिए अगला बात करें नॉर्मल का, तो नॉर्मल मतलब क्या होता है, सामान्य होता है, वही चीज यूजुअल के जैसा, तो एबनॉर्मल हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पॉइंट। अगला दिया हुआ है इंक्रीज, फिर से आ गया वही अपग्रेड वाला, इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना ही होता है, तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, डिग्रेड, रिड्यूस, फिर हो जाएगा। रेगुलर की बात करें तो रेगुलर मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब क्या होता है, नियमित, एकदम टाइम टू टाइम, तो इरेगुलर ठीक अपोजिट, तो ये हो जाएगा इरेगुलर, ठीक है, इरेक्टिक हो जाएगा, और अनस्टीडी हो जाएगा, स्टीडी आप कछुए की कहानी सुने होंगे, कछुए और खरगोश वाला, तो उसमें स्टीडी मतलब लगातार, अनस्टीडी जो लगातार ना हो, रेगुलर ना हो। अगला दिया हुआ है इंप्रेसिव, इंप्रेसिव मतलब आकर्षक, तो अनइम्प्रेसिव हो जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कई तो आराम से बन जाएगा, अनइम्प्रेसिव हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, सामान्य। अगला है हैवी, हैवी मतलब क्या होता है, भारी, तो लाइट मतलब हल्का, फ्लर्टी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेगाइल अभी मैंने बताया कोमल, तो फ्रेगाइल मतलब कोमल, आसानी से टूटने वाला, तो रोबस्ट, हार्ड, स्ट्रांग, ड्यूरेबल, ये सारे मीनिंग्स की हो जाएंगे। पेन मतलब दर्द, तो आराम हो जाएगा, रिपोज, ये आपका उसमें आया था रिपोज, क्या नाम है, अफेलो ट्रेवलर में, तो कहता है कि मेरे आराम में खलल डाली, वहाँ रिपोज वर्ड आया हुआ है। कंफर्ट हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ये सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। चलिए सिनोनिम की बात करते हैं अब सी सेक्शन में, सिनोनिम मतलब क्या है कि अब उसका मतलब समान अर्थ ही बताना है। देखिए फिर से फ्रेगाइल आया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अजीब देखने में लगेगा, ठीक, कि इसके देखने से तो लगेगा जैसे ट्रेजिक है एकदम, कुछ अलग खतरनाक मीनिंग होगा, लेकिन है क्या, कोमल, मुलायम, नाजुक, तो इसका सिनोनिम मतलब कि सेम अर्थ वाला क्या होगा, ब्रेकेबल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, जो कि साथ में आया था। चलिए अगला है स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब क्या होता है, दौड़ने वाला, धावक, तो रनर हो जाएगा, रेसर हो जाएगा, जागर हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे समान अर्थ वाले। अगला है एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना, एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, अभी सेंटेंस बनाने के लिए आया था लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं था, एक्सेप्ट था, मतलब के सिवा था वो, ठीक है, सेंटेंस बनाने की जो आया था के सिवा था उसका मतलब, तो एक्सपेक्ट मतलब क्या था, उम्मीद करना, उम्मीद मतलब होप, फॉर, एंटिसिपेट या फिर अवेट, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंसर्न की बात करें, कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता करना, वरीड हो जाएगा, एंशियस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा।
नाइटमेयर की बात करें तो ये बुरा सपना, नाइटमेयर, ठीक, जब वो बुरा सपना देखता है और जाग जाता है, धड़कन तेज हो जाती है, लाइन है ना, तो नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, तो हो जाएगा बैड ड्रीम, ठीक, नाइट टेरर हो जाएगा। फैटिक की बात करें, फैटिक मतलब क्या आता है, थकावट हो जाती है और ज़्यादा, तो इसका मन सिनोनिम क्या होगा, टायर्डनेस, वीयरीनेस, एग्जॉशन, इमोशन, ठीक है, इमोशन मतलब होता है भाव, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फीलिंग, सेंटीमेंट, सेंसेशन, क्या फीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोप विथ, कोप विथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई साल पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, किसी भी समस्या को जीतने के लिए प्रयास करना, मतलब एकदम इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ प्रयास करना कि जीतना है, चाहे समस्या इतनी भी मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम्पल इसका सिनोनिम देखते हैं, अचीव हो जाएगा, कैरी आउट हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, प्राप्त करना मान लेते हैं। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, सफिशियंट हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, ठीक। एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, एस्पायरिंग हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, ईगर, मोटिवेटेड, ये सारे वर्ड हो जाएंगे इसके। अब बात करें डी सेक्शन की, तो इसमें पेयर ऑफ वर्ड दिए हुए हैं जिनको आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है, बिलो आर सम पेयर ऑफ वर्ड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, अपने खुद के सेंटेंस में इसको यूज करना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है फोर, फोर फोर मतलब चार होता है, इसका तो आप जानते ही, हम आराम से सेंटेंस बना लेंगे। मैं भी एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, एक आई हैव फोर पेन, ठीक, समझ में आ गया, आई हैव फोर चैनल लिख सकते हैं, लेकिन एफ ओ आर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई सारे मीनिंग है, तो मैंने सबका बनाया हुआ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा देखिए डिफरेंट मीनिंग जो है मैं उसको बार बार बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए और थोड़ा दिक्कत ना हो याद करने में, आराम से याद हो जाए, हंसते हंसते कट जाएगा, जस्ट जोकिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, फोर मतलब क्या होता है पहले मैं बता दे रहा हूँ, तीन मतलब मैंने लिया है, ध्यान आकर्षित करना, जहाज के सामने का जो भाग होता है, जहाज के सामने या फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक, तो देखते हैं ध्यान आकर्षित करना मतलब क्या हो गया, द पुलवामा अटैक सबने सुना होगा, पुलवामा अटैक वॉज मोर टू द फोर इन इंडिया एज वेल एज इन द अदर कंट्री, मतलब कि दुनिया में, भारत में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में इसने क्या किया था, लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, उसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे थे। जहाज के सामने का हिस्सा या फिर बात करें सामने के हिस्से की, तो वन ऑफ फोर लेग्स ऑफ द हॉर्स इज इंजर्ड, सामने का भाग होता है, तो जैसे जहाज के सामने का भाग या फिर किसी चीज के सामने का भाग, तो घोड़े के सामने का, घोड़े के सामने का जो पैर है उसमें से एक पैर जो है वो इंजर्ड है, वो घायल है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है आपका पेन, पेन ये पेन तो ये दोनों वर्ड पहले आ चुके हैं, पेन मतलब दर्द होता है, तो आप जानते हैं आई हैव वेस्ट पेन, मैंने चेस्ट पेन बताया था पहले, पी ए यानी मतलब विंडो ग्लास होता है, तो द विंडो ग्लास यानी कि द पेन ऑफ द विंडो इज ब्रोकन, टूटा हुआ, पहले मैंने कहा था कि क्लीन नहीं है, एग्जाम्पल आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। तीसरा है बीट, बीट एक बीट मतलब पीटना होता है, तो आई विल बीट हिम, आपको नहीं उसको। चलिए बी डबल ई टी मतलब आप जानते होंगे चुकंदर होता है, आई लाइक बीट जूस, चुकंदर का जूस मुझे बहुत पसंद है। चलिए अगला देखते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवा, मतलब कि उसको छोड़कर किसी किसी को, बाकी सब, एवरी वन कैन सब्सक्राइब माई चैनल एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको तो खुशी लिया है ना, आपको तो खुजली है, अब करेंगे ही नहीं, और दिक्कत होती है ना। चलिए तो
जस्ट जोकिंग यार, सब्सक्राइब तो कर लो, कर लिया होगा मुझे लगता है। चलिए, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना मतलब कि मान लेना। तो आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपका प्रपोजल आराम स्वीकार कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पांचवा, सम 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 मतलब क्या होता है, कुछ। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं हैं। सम मतलब जोड़ना, टोटल होता है। तो सम ऑफ अमाउंट इज राइट, मैंने जोड़ा है ना इसलिए सही है, आप जोड़ते तो गलत ही होता। तो द सम ऑफ द अमाउंट इज राइट, टोटल सही है। अगला बात करें ई सेक्शन की, तो देखिए ये भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है, लगभग सब में आ रहा है, आपने अब नोटिस किया होगा। पहला देखते हैं, आई हैंग बाय लीगामेंट या फिर लीगामेंट कह सकते हैं, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, ये हार्ट कहता है कि अपनी पोजीशन बताते हैं कि मैं हार्ट के मिडिल में लीगामेंट से लटका हुआ होता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखें तो, वट एवर यू मे हैव हियर्ड अबाउट मी, जो कुछ भी आपने मेरे बारे में सुना होगा, फ्रॉम द पोएट्स, कवियों से, आप चाहे जो कुछ भी मेरे बारे में सुने हो कवियों से, आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, रोमांटिक बढ़ा जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर पर। चलिए तीसरा बात करें, जॉन वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टिमी ट्विंग ऑफ पेन, वैसे जो दर्द हुआ उसकी छाती में, तीखा सा, तेज सा, छोटा सा, थोड़ी देर के लिए उसको ध्यान देने में बहुत व्यस्त था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए छोटा सा पेन था, उसको लगा कि ध्यान ही नहीं है उसका। चौथा देखते हैं, आई वे 340 grams, आई एम रेड ब्राउन इन कलर एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव शेप में ये मेरा आकार बहुत ही अनइम्प्रेसिव है, जो देख करके अच्छा ना लगे। तो ये रहा आपका पांचवा चैप्टर वोकैबुलरी सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग कम्प्लीटली। मैंने मैसेज दिया था पिछले वीडियो में, आई होप कि आप लोग उस पर थोड़ा सा माइंड करेंगे। मैसेज यही था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ चैनल को अपग्रेड करना, अपग्रेड ये वर्ड आया हुआ है, आप जान गए होंगे उसका मतलब। अलग अलग सब्जेक्ट के टीचरों को ला करके, बेस्ट टीचर्स को ला करके आपको फ्री में एजुकेशन देना है, क्वालिटेटिव एजुकेशन देना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद यही था कि मैं एक रिवोल्यूशन लाऊं अच्छे से। तो सपोर्ट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप एक छोटा सा अमाउंट में भी, कोई ऐसा नहीं है, प्राइवेट टीचर की हालत क्या है आप जानते होंगे, तो छोटा सा अमाउंट भी अगर आप सपोर्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा। अकेले करने से और कई लोगों के करने से काफ़ी अलग होता है अगर